वही नरसिंहपुर पश्चिम रेलवे अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर विश्व मलेरिया दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आर.आर. कुर्वे ने लोगों को मलेरिया के बारे में जागरूक किया, साथ ही उसकी रोकथाम के उपाय के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की। आज विश्व भर में वर्ल्ड मलेरिया डे यानी विश्व मलेरिया दिवस मना रहे हैं, जिसमें मलेरिया के रोकथाम के लिए मलेरिया की जो है मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैलसीपरम ज़्यादातर जो पैरासाइट है उसके द्वारा फैलता है। इसका लक्षण हाई ग्रेड फीवर, ठंडे के बुखार आना और एक दो घंटे के बाद बुखार है वो पसीने देकर उतरना। अगर किसी व्यक्ति की इस टाइप के लक्षण है तुरंत वो मलेरिया की जांच करें। इसके बचने के लिए प्यूलेसिन का कपड़ा पहने और मच्छरदानी का उपयोग करें। बच्चों और बूढ़ों में विशेषकर शाम को मच्छर या किसी भी समय काटने की संभावना है, इसको पूरा कपड़े पहना कर रखें और घर का जो भी कूलर है आप उसको हर सप्ताह पानी को चेंज करें और साथ में जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है, चाहे किसी भी स्रोत हो, नाली है या फिर जो पॉलीथीन या टायर है जहाँ पानी इकट्ठा हो तो उसको खाली करें और साथ में हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें ताकि मच्छर ना आ सके। फिर भी मच्छर के लार्वा अगर दिखते हैं तो उसके जला हुआ मिट्टी का तेल या कोई तेल, मिट्टी तेल, जला हुआ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन का छिड़काव करें, जिससे मलेरिया को नष्ट किया जा सकता है। लार्वा नष्ट होने से दोबारा चांसेस नहीं होगी उसको वहाँ पर लार्वा आने के, इसलिए पूरी सावधानी पड़े और मच्छर से जो भी फैलने वाली बीमारी है उसको तुरंत रोकने का प्रयास करें, जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं।